और इधर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। 75वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रपति ने बधाई दी और संबोधन में देश की उपलब्धियों को बताया। विज्ञान के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, ये राष्ट्रपति का कहना है। आज देश को ऊंचाई पर ले जाने का समय है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में ये कहा। साथ ही देश की उपलब्धियां गिनाई, विज्ञान का खासा जिक्र किया राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि विज्ञान के प्रति देश के युवाओं में रुझान बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। तो देश की उपलब्धियों का बखान किया गया राष्ट्रपति की तरफ से, युवाओं का जिक्र किया गया, विज्ञान के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है, आज देश को ऊंचाई पर ले जाने का समय है, ये कहते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने देश की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ कहा कि आज युवा जो है वो विज्ञान के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ आज बढ़ रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो काम किए हुए हैं उसका कहीं ना कहीं असर भी नजर आ रहा है।